नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आईपीओ के बारे में। 2020 में कई सारे आईपीओ आए जो कि इन्वेस्टर को काफी जबरदस्त लिस्टिंग गेन दिया। सिर्फ एसबीआई कार्ड को छोड़ दे, एसबीआई कार्ड जिस समय पैंडेमिक के कारण मार्केट में काफी भयंकर गिरावट हुआ था, उस गिरावट में लिस्ट हुआ था। इसलिए एसबीआई कार्ड जो कि डबल प्रीमियम पर लिस्ट होने वाला था, वो आईपीओ अपने प्राइस इश्यू प्राइस से भी नीचे लिस्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों याद रहे, उस समय मार्केट में काफी भयंकर गिरावट आया था। बाकी जिस तरह से अभी मार्केट काफी बुलिश है और लिस्टिंग के दिन मार्केट बुलिश ही रहता है, तो आपको इस आईपीओ पे भी अच्छा खासा लिस्टिंग प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो काफी कम है अभी। लेकिन जब तक हम अप्लाई करते हैं और लिस्ट होते तक में काफी ज्यादा हो सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है बढ़ जाए। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम और मार्केट हमारा उस समय का सेंटीमेंट कैसा रहता है, अगर मार्केट का सेंटीमेंट काफी बुलिश होता है या न्यूट्रल भी होता है, सिर्फ बेयरिश नहीं होना चाहिए, मतलब कोई वैसा न्यूज नहीं होना चाहिए जिसके कारण मार्केट में कोई बहुत बड़ा फॉल आए, तो आपका जो मार्केट में लिस्टिंग होगा आईपीओ का काफी जबरदस्त होगा। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस आईपीओ के बारे में इसमें डिटेल में जानेंगे। तो अच्छे आईपीओ होते हैं बिगनर्स के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। अगर बिगनर्स हैं आप तो आईपीओ में जरूर अप्लाई करें, जो अच्छे आईपीओ है वो उसमें अप्लाई करें जिसमें देखिए इंटरेस्ट जो है काफी ज्यादा लोगों का है, आईपीओ जो काफी ज्यादा सब्सक्राइब हो रहा है, तो आप भी अप्लाई करेंगे। लॉटरी बेसिस होता है, लॉटरी बेसिस में आप एक नाम दो नाम से अप्लाई कर सकते हैं। एक अकाउंट आप जीरोधा में ओपन कर लीजिए और एक फैमिली मेंबर के नाम में एंजल में ब्रोकिंग में ओपन कर लीजिए और दोनों के नाम से एक एक अकाउंट से आप अप्लाई कीजिए। अगर किन्हीं एक को लग जाता है तो आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन प्राप्त हो सकता है। ये लिस्टिंग गेन डिपेंड करता है मार्केट के सेंटिमेंट पे और ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या है उस पे। तो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है इसका मात्र 1.60 रुपीज है। इसका जो प्राइस बैंड है 25 रुपीज और 26 रुपीज है, अपर प्राइस बैंड 26 रुपीज, तो वहां से 1.60 रुपया है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग तक में घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के सुबह मॉर्निंग में मात्र 1.20 रुपया था, 1.20 रुपीज से बढ़कर के हो गया 1.60 रुपीज। तो आगे आने वाले समय में जैसे 18 जनवरी से अप्लाई होगा, 20 जनवरी तक होगा, उसके बाद लिस्टिंग तक में इसके प्रीमियम और ज्यादा गिरावट भी हो सकती है या प्रीमियम जो है काफी ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो इसलिए लिस्टिंग के दिन आपका डिपेंड करता है कि प्रीमियम क्या है ग्रे मार्केट का और मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। तो चलिए आईपीओ के बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चित्तौरगढ़.com पे, चित्तौरगढ़ जहां आप सारी आईपीओ के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो कि 1986 में देख सकते हैं स्टार्ट हुई थी, और ये क्या करती है प्राइमरली जो है रोलिंग स्टॉक एसर्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो आपने देख लिया कि ये PSU स्टॉक है, PSU स्टॉक में जो होता है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफ़ी कम रिटर्न प्राप्त होता है, इसलिए आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो हमारे PSU स्टॉक होते हैं, मतलब जो PSU कंपनी होती है वो मुख्य रूप से देश को सर्व करती है, मतलब उसका काम होता है आम जनता की सेवा करना, तो उसके वेलफेयर के लिए उसके भलाई के लिए जो काम होता है उससे रिलेटेड होता है। कंपनी को मुख्य प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता जिस तरह से प्राइवेट कंपनी को होता है, इसलिए इसमें आपको लॉन्ग टर्म में कुछ खास रिटर्न प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है अगर प्रीमियम ग्रे मार्केट में इसका बढ़ता गया तो। उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम देख लीजिए, तो कह रहा है स्ट्रेटेजिक रोल इन इंडियन रेलवे ग्रोथ, और यहाँ पर इसका जो क्रिसिल रेटिंग है यहाँ पर देख लीजिए, क्रिसिल रेटिंग काफी जबरदस्त है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और साउंड एसर्ट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, तो काफ़ी अच्छा वेल एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है, तो मतलब हर चीज़ जो है काफ़ी बेहतरीन है, मतलब क्रिसिल रेटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है, AAA का रेटिंग है और ICRA का भी AAA रेटिंग है, तो काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है इस आईपीओ को। और कंपनी का जो प्रमोटर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो आपने देख ही लिया। वहीं इसके जो रेवेन्यू होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रेवेन्यू की बात करें, तो टोटल रेवेन्यू जो है वो मिलियंस में है, तो इतना मिलियन रुपीज़ है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ये करोड़ में, तो ये हो जाएगा आपका 7000 करोड़, मतलब 7384 करोड़, एक डिजिट जो इधर से गायब कर दीजिए लास्ट से, तो 7300 करोड़ का इसका टोटल रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर का। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो जो फाइनेंशियल 20 था उसमें जो टोटल रेवेन्यू था इसका 13000 करोड़ था, 13000 करोड़, और वहीं 19 में था इसका 10000 करोड़ का,
और वहीं इसका जो 18 फाइनेंशियल ईयर में था 9000 करोड़ था, तो रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसका था 1886 करोड़ प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर 2020 का, मतलब फाइनेंशियल 21 का। और यहीं पर जो हमारा मार्च क्वार्टर थी फाइनेंशियल 20 है, उसमें जो टोटल प्रॉफिट था इसका 3192 करोड़ टोटल प्रॉफिट था फाइनेंशियल 2020 में। वहीं टोटल प्रॉफिट था 2019 क्वार्टर में 2139 करोड़ का, वन डिजिट इधर से गायब कर देंगे तो ये मिलियन करोड़ में आ जाएगा। वहीं फाइनेंशियल 18 में था इसका 2000 करोड़, तो यहां से 18 से बढ़ के थोड़ा सा 100 करोड़ बढ़ा, फिर यहां पर काफ़ी जंप हुआ फाइनेंशियल 20 में। और इस बार सितंबर क्वार्टर में तो प्रॉफिट काफ़ी बेहतरीन है, मतलब इतना बेहतरीन प्रॉफिट है कंपनी का, साथ साथ मार्केट का सेंटिमेंट भी अभी काफ़ी पॉजिटिव है, तो हो सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़े। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस IPO का, तो देखिए ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होता है कि जो प्रमोटर्स का स्टेक होता है अपना कुछ स्टेक प्रमोटर्स जो है बेच देते हैं पब्लिक को, साथ ही साथ आप बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए कुछ फंड की ज़रूरत होती है, उस फंड को रेज करने के लिए भी कंपनी जो है अपनी IPO लेकर के आती है, तो वही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। कंपनी इक्विटी से बेस्ड ऑन मीट बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट, जो फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट है बिजनेस का उसके लिए, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो जरूरत है फंड का उसके लिए। उसके बाद यहाँ पर IPO का डिटेल है, IPO का ओपनिंग होगा 18 जनवरी को, क्लोज हो जाएगा 20 जनवरी को, तो आप 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच अप्लाई कर सकते हैं। इश्यू का टाइप है बुक बिल्डिंग IPO, फेस वैल्यू इसका 10 होगा, जो शेयर लिस्ट होगा IPO का जो प्राइस होगा 25 इसका लोअर बैंड है, मतलब 25 रुपीज पर अप्लाई कर सकते हैं, 26 रुपीज पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो जनरली कट ऑफ प्राइस पे भी आप अप्लाई करें, क्योंकि जब IPO ओवर सब्सक्राइब होगा तो आपको नीचे के प्राइस पर मिलने वाला नहीं है बल्कि ऊपर के प्राइस पे ही मिलेगा। लॉट साइज इसका 575 शेयर्स है, मतलब एक लॉट में आपको कम से कम इतना शेयर के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक लॉट का जो वैल्यू होगा वो 26 मल्टीप्लाई 575 कर दीजिए उतना हो जाएगा, या आप 25 के रुपीज पर अप्लाई करते हैं अपना प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 को। और इसका जो लिस्टिंग होगा वो BSE और NSE दोनों पे होगा, मतलब दोनों स्टॉक एक्सचेंज जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है हमारा उस पे होगा। और इसका जो इश्यू का साइज है वो कुल है 4633 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू जो होगा इतना इक्विटी शेयर का, टोटल जो हमारा इतना इक्विटी शेयर है उसमें से इतना इक्विटी शेयर फ्रेश इश्यू है, और अदर जो शेयर बच गया वो ऑफर फॉर सेल के लिए है। वहीं IPO का जो लिस्टिंग होगा वो 29 जनवरी को होगा स्टॉक एक्सचेंज पे, तो यहाँ पर अलॉटमेंट जो होगा आपको 25 जनवरी को होगा, और रिफंड आपको 27 जनवरी तक में मिल जाएगा, और जो क्रेडिट हो जाएगा शेयर आपको 28 जनवरी को आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, और 29 जनवरी को इसका लिस्टिंग होगा। आप चाहे तो 29 जनवरी को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस स्टॉक ज़्यादातर अच्छा होगा कि आप उस दिन जो है प्रॉफिट बुक कर लें, अगर आपको अच्छा खासा उस दिन रिटर्न मिल रहा है, लिस्टिंग गेन आपको मिल रहा है, तो लिस्टिंग के दिन ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लें। कुछ चाहें तो कुछ शेयर आप होल्ड कर सकते हैं, जैसे 575 शेयर है एक लॉट में, तो एक लॉट आपके पास है तो 500 शेयर का प्रॉफिट बुक लीजिए, 75 शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। लॉट साइज इसका जो है 575 का है, तो एक लॉट में इतना शेयर आएगा, तो एक लॉट का जो अमाउंट आपका कट ऑफ अमाउंट 26 रुपीज के लिए अप्लाई करते हैं तो टोटल अमाउंट आपको आएगा 14,950, और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं 1,94,350 रुपीज़। तो मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर उनका लिमिट है 2,00,000 का, अगर आप 2,00,000 से ऊपर का अप्लाई करते हैं फिर आप रिटेल कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये था कंप्लीट IPO का डिटेल। अभी जो प्रमोटर्स का इसमें होल्डिंग है 100%, और प्रमोटर्स का जो आफ्टर इश्यू होल्डिंग हो जाएगा 86%, और ये फिर से 86% को डिक्रीज करके लाना पड़ेगा 75 पर SEBI के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रमोटर्स का होल्डिंग हो सकता है 75 का, और इसमें जो प्रमोटर्स का होल्डिंग होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसका जो टेंटेटिव डेट है 3 ईयर्स के अंदर रिड्यूस करना पड़ता है स्टेक प्रमोटर्स को 75% तक। और इसकी बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम का, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लीजिए, अभी जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो मात्र है 1.60 रुपीज़। यहाँ पर देख लीजिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्रे मार्केट प्रीमियम इज 1.60 रुपीज़, इसका जो प्राइस मिले है 25-26 रुपीज़,
और ये जो अर्लियर मॉर्निंग था, आज का अर्लियर मॉर्निंग 1.20 रुपीज़ था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और ये बढ़कर हो गया 1.60 रुपीज़। तो इसी तरह जैसे जैसे आईपीओ का डेट नज़दीक आता है, लिस्टिंग का डेट आएगा, तो अभी काफ़ी टाइम है, मतलब अभी आपके पास काफ़ी वक्त है, 14-15 डेज है। 14-15 डेज में ये हो सकता है प्रीमियम बढ़ करके 50% या 100% तक भी जा सकता है, मतलब 1.60 रुपीज़ से बढ़ करके 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ या 25 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आईपीओ कितना सब्सक्राइब होता है, ग्रे मार्केट मतलब अनलिस्टेड मार्केट में कितना इसका डिमांड है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज़ पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।